में बैठी हैं हमारी बहनें, जो मेरी बेटियां हैं, वो देश का भविष्य है। वही देश का निर्माण करेंगी, वही देश को आगे ले जाएंगी। उन्हीं में से कोई सुषमा स्वराज बनेगी, उन्हीं में से कोई कल्पना चावला बनेगी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा उस जो सामने बैठी मेरी बहन है उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो आज अटल जी जैसी हस्ती के बारे में जानने के लिए यहाँ एकत्र हुई हैं, जिन्होंने समझा है अटल जी जैसा व्यक्तित्व ना तो हुआ है ना भविष्य में होगा। ये मैं आपको कह रही हूँ। और आजाद भारत सनातन संघ के तत्वाधान में अटल आजाद स्मृति सम्मान समारोह एवं राजनीति के शिखर पुरुष नामक पर एक संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर संघ के कार्यकर्ताओं ने पानी, पेड़ और पहाड़ बचाओ और आजाद भारत को सनातन समृद्ध बनाओ का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद किया। कार्यक्रम में आजाद भारत सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनराज गिरी ने संस्थान के कार्य प्रणाली के बारे में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि देश की आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हमेशा मिलता रहे, इसके लिए हमेशा सचेत भी रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि यह संकल्प लें कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे। इस अवसर पर समाज के हित का कार्य करने वाले अनेक विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुदेश वर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी की पोती अंजलि मिश्रा और चंद्रभूषण सिंह ने भी संबोधित किया। एनसीसी की छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत की। इस अवसर पर कार्यक्रम में अंबुज तिवारी, संजय गिरी, दिनेश तिवारी, भरत मानवेंद्र, सीताराम, गिरीश निशाना और मनोज जैसे भारी संख्या में युवा वर्ग उपस्थित रहे। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।